हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज अमित। और आज का प्लान था टोरंटो डाउनटाउन घूमने का था, बट देख सकते हो ये हाल। इतनी भयंकर बारिश तो आज तक मैंने यहाँ पर नहीं देखी। कल ऑलरेडी 6000 फुट चुके हैं, अब पता नहीं वो बारिश में बह गए या यूटिलाइज हो पाएंगे, लेकिन हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन सेट की असलियत। सो वेलकम गाइस, दिस इज अमित एंड यू आर वॉचिंग दैट शो, दी अमित तिवारी शो। आई थिंक आई कैन सजेस्ट अ बेटर नेम, द अफलातून। तो आज हम करते हैं डेली लाइफ रिव्यू फॉर अ ऑनसाइट गाय। सो आई थिंक आज का ब्लॉग उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिनको ऑनसाइट की बहुत चुल मची होती है। वैसे भी कोरोना के बाद आई डोंट थिंक कि 80% लोगों ने अपनी ये चुल उतार दी होगी, बट अभी भी 20% बचे हैं जो ऑनसाइट के सपने देख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं किचन की हालत। ये है हमारा किचन, ये स्पॉट डब्बे, ये कुकटॉप, शायद ही कभी साफ होता हो। ये पैन पड़ा है शायद 4 दिन से यहाँ पर, और ये तब साफ़ होगा जब अगली बार चाय बनेगी। ये हमारा गोदाम, बस सामान सब है, भर दिया गया है किसी तरह से। तो भाई ऐसा है किचन, और इसको करना है साफ कम से कम एक बार वीकेंड में, और हमारी ड्यूटी लगती है 1x1। और ये सिर्फ मेरा हाल नहीं है, ये सबका हाल है जो जो लोग शहर में रहते हैं ऑन साइट में। तो अगर ऑन साइट आने के चुल बाकी है तो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो के आओ। ये तो था सिर्फ किचन का सीन, अभी बहुत सारे सीन बाकी हैं, बताता हूँ एक एक करके। वैसे ये था हमारा रूम, और किचन मैंने अभी दिखाई दिया आपको, कम्प्लीटली मैसी रूम को साफ कर दिया गया। थोड़ा डिज़ाइन चेंज हो गया है क्योंकि हमने इसको सेट कर लिया है, बिकॉज जो बंदा यहाँ रहता था वो जा चुका है। तो ऑलमोस्ट 70% स्पेस फ्री है। और ये जो डब्बे लगे हुए दिख रहे हैं आपको पीछे, ये इसलिए है क्योंकि जो भी यहाँ रहने आया है वो यही सोच के आया था कि वो डब्बों को अनपैक नहीं करेगा, जल्दी से यहाँ से मूव करके इंडिया वापस जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सोचते सोचते 10 साल हो चुके हैं और डब्बे ऐसे कैसे ही पैक है, और वो ऐसे कर यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। ये है हमारा वॉशरूम, अच्छा खासा गर्म हो रखा है क्योंकि हमने अभी यहाँ पे स्नान ग्रहण किया है। पॉट दिख रहा होगा बट नो जेट, नो शावर, तो इससे काम चलाना पड़ता है, लेकिन मैं इससे काम चलाता हूँ। और ये छोटा सा शावर एरिया है, आई थिंक 2x2, और अगर अंदर में वाइप भी करना है तो हम हाथ नहीं फैला सकते, सम टाइम कंप्रोमाइजिंग स्पेस। और अगर आपको यहाँ के स्विचेस दिखाऊंगा तो ये स्विच है, आपको ऑन लग रहे होंगे बट एक्चुअली ये ऑफ है। इंडिया से जस्ट अपोजिट। और टीवी जो का शायद ही कभी बंद होता है, 24 घंटे चलता है, किसी को कोई ज़रूरत नहीं इसको बंद करने की, समटाइम लोग म्यूट कर देते हैं अदरवाइज बल्ले बल्ले। और ये है रूम का, दिस इज़ अ मास्टर बेडरूम, वॉशरूम थोड़ा अच्छा है, ये बाथटब भी है। और ये है, दिस इज़ द क्लोज़ेट, ज़्यादा भ्रमण नहीं करते, दूसरे का माल है निकल लो। ये एक छोटी सी अलमारी टाइप का फ्रेम है, कहाँ से आया है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस बंदे का था वो यहाँ से मूव कर रहा था, तो ये आइटम मुझे बेचने की फिराक में था, अराउंड $50, मतलब 2500 रुपये का। इसका एक और हाफ पार्ट है जो कि शायद चला गया है, बट मुझे खुद ही परमानेंट नहीं रहना था, तो सो आई जस्ट लीव दैट प्लान, मीन्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय दैट। और ये है हमारे एसी का नॉब, इस टाइम टेम्परेचर अराउंड 22-23 सेट है ऑटो मोड। एक्चुअली ये सब एसी के वेंट हैं यहाँ पर चारों तरफ लगे हुए, तो इन्हीं से ठंडी हवा आती है और सर्दियों में गर्म हवा भी इधर ही से आती है। ये पूरा जो चैम्बर है, यहाँ पर मशीन्स हैं जो कि एसी और हीटिंग, वाटर हीटिंग को मैनेज करती हैं। और सैटरडे को एक मेंटेनेंस टीम से कोई आया था, हर 6 महीने में कोई कॉल चेंज होती है, तो वो यहाँ पे चेंज कर गया था, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया था। फिर उसको अरेंज करने के बाद पूरे घर की सफाई हो गई, इसीलिए घर साफ लग रहा है, वरना तो घर की हालत किसी सत्यानाशी एरिया से
बेटर नहीं होती है। एक्चुअली सारे के सारे बैचलर्स हैं, सभी अपने काम में बिजी हैं, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है सफाई करने, किसी को ज़रूरत ही नहीं है सफाई करने की, क्योंकि सब लोग दिल के साफ हैं। तो चल रहा है काम ऐसे ही। ये है जाली जहाँ से वेंटिलेशन हो सकता है। हमने यहाँ पे फ़ैन रखा हुआ है। अब इस फ़ैन का काम ये है कि अगर हम किचन में कुछ भी तेल तूल या तड़का फ्राई धुआं वाला काम करते हैं तो ये ऊपर लगे हुए हैं सेंसर, स्मोक सेंसर। ये है हमारा स्मोक सेंसर। ज़्यादा सा धुआं जाएगा तो अलार्म बजना शुरू हो जाता है और अलार्म बजने के 5 मिनट में ही फायर ब्रिगेड यहाँ पे होगी और जस्ट इंक्वायर, और हम उनको एक्सप्लेन करेंगे कि हम यहाँ दाल में तड़का मार रहे थे इसलिए फायर ब्रिगेड आई है। दैट विल बी वेरी एम्बेरसिंग। तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वैसे तो ये चिमनी लगी हुई है बट पता नहीं क्यों ये ठीक से नहीं काम करती है, तो धुआं इधर से आके इधर चला ही जाता है किसी तरह से। और पहले जो यहाँ पे बंदा रहता था उसने ये पूरा एरिया ब्लॉक कर रखा था, एक छोटा सा रूम टाइप का बना रखा था, तो उस वजह से भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो हम थोड़ा सा इंडियन जुगाड़ करते थे, यानी कि वो दरवाज़ा खोल देते थे जो मेन डोर है, फैन ऑन कर देते थे और इसको कवर करके भी कभी कभी काम चलाया है। तो ऐसे ही दिन कटते हैं यहाँ के। वैसे अब मुझे बहुत ही जल्द मुक्ति मिलने वाली है। ये बाइसिकल, दो छोटे छोटे बच्चों की, ये भी छोटे बच्चों के क्रेडल्स आए थे कभी किसी कारण से। अब वो बच्चे यहाँ नहीं रहते हैं बट उनका सामान यहीं पे है, बच्चे बड़े हो चुके हैं उनको ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी मशीन यानी वैक्यूम क्लीनर, झाड़ू और मॉप है सारा कुछ अपने पास, लेकिन यूज़ शायद 15-20 दिन में एक बार, अगर हमें रियली लगता है कि कुछ ज़रूरत है तो। जैसे ही एंट्रेंस से अंदर आते हैं, लेफ्ट साइड में है किचन, किचन फ्रिज, कुकटॉप, अंग्रेजी कुकटॉप, ये है हमारा ओवन, बहुत सारी सर्व जिसमें हमारे सामान भरे हुए हैं, पापड़, प्याज, और इधर है आटा दाल चावल वगैरह वगैरह, गुड़। जब से मैं आया हूँ तब से गुड़ खाना शुरू हो गया है। और ये है हमारा यहाँ का राइस कुकर, इंस्टा पॉट बोलते हैं इसको, एक्चुअली इंडिया में राइस कुकर के नाम से फेमस है। और ये है वॉशिंग मशीन, तो ये वाला पार्ट सिर्फ धोने के लिए, इक्विवेलेंट होता है इंडियन वॉशिंग मशीन, और ये वाला पार्ट सुखाने के लिए। लो कपड़े डाल के सुखा के भूल जाते हैं, एक्चुअली कपड़े सूखने के बाद ना यहीं से यूज़ होते हैं, कर जरूरत नहीं निकाल के ले जाने की। माइक्रो प्लस डिश वॉशर का यूज़ है सिर्फ बर्तन रखने का। ये कचरे का एरिया, वैसे हम बर्तन रखने के लिए अपने ओवन को यूज़ करते हैं, यहाँ पे बर्तन धो के रख दिए जाते हैं, कभी कभी गंदे भी घुसेड़ दिए जाते हैं, बाकी जो क्रॉकरी और स्टील आइटम है वो यहाँ रहता है। ये हमारा डाइनिंग एरिया, किचन का पैसेज यहीं से ओपन होता है और डाइनिंग एरिया में सीधे हम खाना शुरू कर सकते हैं। वैसे लुक वाइज ये काउंटर बहुत ही प्रिटी कंफर्टेबल है, पूरी वुडन फ्लोरिंग है, सो आई थिंक लिविंग एरिया में सिर्फ कारपेट है, बट जो हमारे बेडरूम है, दिस मास्टर बेडरूम और ये जो दूसरा अदर बेडरूम है यानी कि मेरा बेडरूम, इन दोनों में ही वुडन फ्लोरिंग है। दिस इज बिग विंडो, और विंडो से जो सबसे बेहतरीन नज़ारा दिखता है वो है यहाँ की फेमस टावर मर्लिन मुनरो। इस इलाके से लोग सिर्फ ये वाला डाउनटाउन का टावर देखने आते हैं, और मैं लकी हूँ कि मुझे अपनी विंडो से ही डेली दिखाई देता है, और लाइट के नाम पे सिर्फ यही सोर्स ऑफ लाइट है, यानी 0 वाट का बल्ब लगा हुआ है जिससे हम पूरी रात काम चलाते हैं। पता नहीं क्यों कनाडा में लोगों को डिम लाइट ही पसंद है, अंधेरे अंधेरे में जीते हैं, और मुझे लग रहा है कि जैसे मैं इंडिया पहुंचूंगा मुझे उतनी सारी लाइट देख के मेरी आंखों में जा, शायद रात में ही मुझे गोगल यूज़ करना पड़े। मुझे यहाँ की सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ लगी यहाँ के मैट्रेसेस, अगर बैठो तो घुस जाओ, आप बैठ के कोई काम नहीं कर सकते हो, अगर आपको बेड यूज़ करना है तो आपको सिर्फ लेटना ही पड़ेगा। और ये मेरा छोटा सा क्लोजेट, कपड़े ऐसे भरे हुए हैं भूसे की तरह, प्रेस करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। और ये सारा सामान जो मैं इंडिया से लेके आया था, कुछ यहाँ ख़रीदा है, वो सब यही कॉर्नर में घुसा हुआ है। काम चल रहा है किसी तरह से, मैंने जुगाड़ करके पुराने माइक्रो को एज ए टेबल यूज़ किया हुआ है, तो मेरा थोड़ा बहुत काम इससे चल जाता है। और ये है यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट आइटम जो कि मैं इंडिया से लेके आया था, दिस इज़ द यूनिवर्सल अडॉप्टर फॉर लाइट, मतलब जितने भी हमारे इंडियन अप्लाइंसेस हैं उनको यूज़ करने के लिए डायरेक्ट कनेक्शन हम कर ही नहीं सकते, पोर्ट यहाँ पे वैसे अवेलेबल नहीं है, तो इसकी हेल्प से काम चल रहा है।
मेरा एक लैपटॉप था, एक दो और आइटम थे जो इंडिया से आए थे फॉर चार्जिंग, जैसे कैमरे का जो बैटरी चार्जर है वो भी इंडियन अडोप्टर में ही सेट हो रहा है, और यूएसबी दो यूएसबी पोर्ट दे दिए हैं, तो उससे मेरा यूएसबी वाला काम चल रहा है। तो ये है अपनी दुनिया ऑन साइट की, मतलब अगर बड़ा मज़ा आ रहा हो या सपने देख रहे हो ऑन साइट वगैरह के, तो सोच लो 50 बार सोच लेना आने के पहले। फैमिली लेके आ रहे हो तो पैसे नहीं बचेंगे, और पैसे बचाने हैं तो जिंदगी सत्यानाश। सो वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, और आज की जो डिटेल है मेरे कॉन्डो का टूर, एक्चुअली मैंने इसलिए शूट किया था क्योंकि मेरा कुछ लास्ट मोमेंट नज़दीक आ रहा है, तो मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, तो बेटर है कि मेमोरी के लिए मैं इसको शूट कर लूँ। तो आई जस्ट कवर फ्यू थिंग्स, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, कमेंट भी कर दो। एंड यस, अगर आपका कोई फ्रेंड इंटरेस्टेड हो सेट आने के लिए और कोई हेल्प चाहिए, यू कैन शेयर द वीडियो सो दैट ही कैन सी एंड कैन अंडरस्टैंड द चैलेंजेस एंड द पॉसिबिलिटी। और अगर कोई पर्सनल हेल्प चाहिए तो प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू, मीन्स आई कैन ट्राई टू कन्विंस यू विद ऑल वॉट आई नो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय।